हेलो फ्रेंड्स, हियर इन दिस लेक्चर वी विल डिस्कस अबाउट द रैंक ऑफ अ मैट्रिक्स। यहां पर सबसे पहले हम लोग बात करेंगे रैंक ऑफ मैट्रिक्स का डेफिनेशंस क्या होता है, एंड देन प्रॉपर्टीज, एंड नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे व्हाट इज अ इक्विलन फॉर्म एंड रैंक ऑफ अ इक्विलन फॉर्म, हाउ टू फाइंड द रैंक ऑफ अ इक्विलन फॉर्म एंड नेक्स्ट। इन नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग बात करेंगे, बट इन दिस लेक्चर वी विल डिस्कस अबाउट द रैंक। सबसे पहले देखिए रैंक क्या होता है, रैंक का डेफिनेशन क्या होता है जो कि आपको आगे यूज होने वाला है। कभी भी कोई भी क्वेश्चन में अगर आपको पूछा गया है उस मैट्रिक्स का, अगर आपको रैंक फाइंड करना है, तो यहाँ पर मैं इस लेक्चर में आपसे बात करूंगा कि एक्चुअल में रैंक का डिफिनेशन क्या होता है एंड उसका इक्विलन फॉर्म ऑफ रैंक कैसे फाइंड करते हैं। यहाँ पर मैं आज के लेक्चर में आपसे बात करने जा रहा हूँ। जैसे कि इसके पहले लेक्चर में हम लोग ने बात किया था, हम लोग ने पढ़ा था कि व्हाट इज द ऑर्थोगोनल मैट्रिसेस एंड द यूनिटरी मैट्रिसेस, उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन भी सॉल्व किए थे हम लोग ने। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। नाउ देखिए रैंक क्या होता है। रैंक का जो कि एक्चुअल डेफिनेशन होता है, जो कि आपने अभी तक 12th स्टैंडर्ड में आपने किसी भी मैट्रिक्स का आपने रो ट्रांसफॉर्मेशन निकाला होगा। अगर कोई मैट्रिक्स आपको गिवन है तो उस मैट्रिक्स का आपने रो ट्रांसफॉर्मेशन करके उस मैट्रिक्स को आपने सिंप्लीफाई किया होगा। मतलब रो ट्रांसफॉर्मेशन करके आपने क्या फाइंड किया था, एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स के फॉर्म में फाइंड किया था। मतलब कि आप कितना मैक्सिमम जीरो आप निकाल सकते हो उतना आप फाइंड कर सकते हो। उस रो में कितना जीरो आपको मिलेगा वो कैसे फाइंड करोगे, बाय यूजिंग द रो ट्रांसफॉर्मेशन और कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन, जो कि आपने 11th-12th स्टैंडर्ड में पढ़ा था। बट अगर आपने नहीं भी जानते होगे तो कोई बात नहीं है, मैं नेक्स्ट लेक्चर में आपसे रो ट्रांसफॉर्मेशन से रिलेटेड बात करूंगा। बट यहाँ पर खाली ये याद रखिए कि रैंक क्या होता है, जो कि रैंक बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, जो कि आगे जब भी मैं इक्वेशन इनइक्वालिटी चैप्टर जब भी मैं चालू करूंगा वहां पर भी आपको इस रैंक से रिलेटेड आपको पता होना चाहिए। आगे भी आपको यूज होने वाला है रैंक, तो आपको समझ में होना चाहिए कि एक्चुअल में रैंक क्या होता है एंड उसका प्रॉपर्टीज क्या होता है। तो रैंक क्या होता है, इफ ए बी अ नॉन जीरो मैट्रिक्स, अगर ए कोई मैट्रिक्स है जो कि नॉन जीरो है, देन इंटीजर आर इज कॉल्ड द रैंक ऑफ अ मैट्रिक्स ए इफ एंड ओनली इफ। मतलब कोई मैट्रिक्स अगर आपको गिवन ए जो कि नॉन जीरो, नॉन जीरो का मतलब कि मतलब आपका 1 2 3 4 5 6 3 7 8 9, ये आपका 3x3 मैट्रिक्स है जो कि ये नॉन जीरो मैट्रिक्स है, राइट। तो देन इंटीजर आर इज कॉल्ड द रैंक ऑफ अ मैट्रिक्स ए, मतलब इस मैट्रिक्स ए को आप रैंक तभी बोल सकते हो कब, जब इफ एंड ओनली इफ देयर एग्जिस्ट एटलीस्ट वन माइनर ऑफ ऑर्डर आर ऑफ ए विच इज नॉन जीरो। इसका मतलब क्या हो गया, देयर इज एटलीस्ट वन माइनर ऑफ ऑर्डर आर, मतलब कि कम से कम एक माइनर ऑफ ऑर्डर आर होना चाहिए, मतलब एक माइनर ऑफ ऑर्डर रैंक होना चाहिए ऑफ ए, उस ए का विच इज नॉन जीरो। मतलब कि अब आप बोलोगे कि माइनर क्या होता है, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि ये माइनर का मतलब क्या होता है, माइनर का मीनिंग क्या होता है। माइनर मतलब क्या होता है, जैसे कि अगर आपको कोई स्क्वायर मैट्रिक्स गिवन है, राइट, उस स्क्वायर मैट्रिक्स का, राइट, उसका माइनर अगर आपको फाइंड करना है तो सिंपली क्या कीजिए, उस स्क्वायर मैट्रिक्स का, लेट से कि वो कोई 4x4 मैट्रिक्स आपको गिवन है, राइट, तो उस 4x4 मैट्रिक्स में से आप कोई भी रोज आप चूज कीजिए अपने हिसाब से। लेट से कि आपने फर्स्ट एंड सेकंड रोज आपने लिया, राइट, तो जो फर्स्ट एंड सेकंड रोज लोगे उसका सेम आपको जो दो रोज आपने लिया उसी का आपको क्या करना है, उसकी का कॉलम लेना है। मतलब दो रोज लिया तो मतलब आपको दो कॉलम लेना है, उस दो रोज एंड उस दो कॉलम का आपको क्या करना है, वो क्या मिल जाएगा आपको 2x2, दैट इज टू रोज एंड टू कॉलम, उसका क्या करना है आपको, सिंपली उसका आपको डिटरमिनेंट निकालना है। मतलब ये जो दो बाय टू आपने लिया रोज एंड कॉलम उसका डिटरमिनेंट निकालोगे और जो डिटरमिनेंट मिलेगा वही क्या होता है आपका माइनर होता है। तो इसका मतलब आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा, कोई भी अगर मैट्रिक्स गिवन है, स्क्वायर मैट्रिक्स गिवन है, जैसे कि एग्जांपल में मैंने आपको 4x4 मैट्रिक्स लिया था, राइट, तो उस फोर लेट से कि यहाँ पर मैंने कोई 4x4 मैट्रिक्स लिया, आई होप कि आपको समझ में आता होगा कि 4x4 मैट्रिक्स मतलब 4 रोज एंड 4 कॉलम। यहाँ पर एग्जांपल में ले रहा हूँ 4 रोज एंड 4 कॉलम, उसमें से आपने कोई 2x2 रोज एंड 2 कॉलम आपने चूज किया, राइट, तो 2 रोज चूज किया तो सेम उसी में से आपको क्या करना है, 2 कॉलम भी चूज करना है। सिंपली उसका डिटरमिनेंट निकालोगे, जो डिटरमिनेंट का वैल्यू मिलेगा वही क्या होता है आपका माइनर, वही क्या होता है आपका माइनर होता है। तो डेफिनेशन क्या होता है रैंक का, इफ ए बी ए कोई मैट्रिक्स है विच इज ए नॉन जीरो मैट्रिक्स, देन इंटीजर आर इज कॉल्ड द रैंक ऑफ अ मैट्रिक्स ए, उस मैट्रिक्स का रैंक तभी बोल सकते हो इफ एंड ओनली इफ देयर एग्जिस्ट एटलीस्ट वन माइनर ऑफ ऑर्डर आर ऑफ ए विच इज नॉन जीरो। मतलब कि उसमें कम से कम एक माइनर ऑफ ऑर्डर आर है, मतलब कि उसका डिटरमिनेंट निकलना चाहिए, उसका डिटरमिनेंट निकलेगा वो भी किस फॉर्म में होना चाहिए, नॉन जीरो होना चाहिए, क्या होना चाहिए, नॉन जीरो, तभी क्या होगा वो रैंक कहलाएगा। मतलब क्या होगा, देयर एग्जिस्ट एटलीस्ट वन माइनर, मतलब एक से ज्यादा माइनर अगर आपको मिलेंगे
कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट कम से कम वन माइनर आपको मिलना ही चाहिए ऑफ ऑर्डर आर ऑफ ई विच इज नॉन जीरो, मतलब जो आप ऑर्डर लोगे उस माइनर का उसमें से आपको कम से कम एक माइनर अगर आपको मिल गया, और वो माइनर किस फॉर्म में होना चाहिए, नॉन जीरो के फॉर्म में होना चाहिए, देन दिस मैट्रिक्स इज कॉल्ड इज अ रैंक ऑफ अ मैट्रिक्स। एंड सेकेंड कंडीशन क्या है, इफ एंड ओनली इफ मैट्रिक्स ए को अगर कोई नॉन जीरो मैट्रिक्स है, देन इंटीजर आर इज कॉल्ड द रैंक ऑफ मैट्रिक्स इफ एंड ओनली इफ एवरी माइनर ऑफ ऑर्डर आर ग्रेटर देन, एवरी माइनर ऑफ ऑर्डर ग्रेटर देन आर इज अ जीरो। अब यहां पर क्या हो गया, एवरी माइनर ऑफ ऑर्डर ग्रेटर देन आर, मतलब कि कोई भी माइनर, जो जितने भी आपने माइनर निकाला, लेट से कि अगर 4x4 मैट्रिक्स में, यहां पर मैं आपको एग्जांपल के द्वारा समझाता हूं, लेट से कि यहां पर आपको कोई 4x4 मैट्रिक्स दिया है 1 2 3 4 5 6 7 8 -2 3 -4 1 2 4 6 and 7, राइट, ये आपको कोई मैट्रिक्स गिवन है, एंड दिस इज व्हाट 4 रोज राइट एंड 4 कॉलम, तो दिस इज व्हाट 4x4 मैट्रिक्स राइट। इस 4x4 में से अब आपको मैं बता रहा हूँ कि माइनर कैसे फाइंड करती है, माइनर आपको समझाने के लिए मैं मैट्रिक्स का एग्जांपल ले रहा हूँ। तो इसका अगर आपको माइनर निकालना है तो आप क्या कीजिएगा, इसको चूज कीजिए, लेट से कि मैं क्या करता हूँ, आप कोई भी किसी भी रोज को आप चूज कीजिए, लेट से कि मैं ये फर्स्ट रो एंड सेकेंड रो को चूज करता हूँ, तो फर्स्ट रो सेकेंड रो में से आपको क्या मिलेगा, लेट से यहाँ पर देखिए फर्स्ट रो एंड सेकेंड रो से आपको क्या मिलेगा, लेट से फर्स्ट रो में क्या है 1 2 3 4, सेकेंड रोज क्या है 5 6 7 एंड 8 राइट। अब नाउ ये आपको दोनों रोज में से चूज करने पर आपको रो मिल गया, अब नाउ जितना आपने रो लिया उतना ही आपको कॉलम लेना है, तो इसी में से आपको क्या करना है, कॉलम को चूज करना है। तो लेट से मैं क्या करता हूँ, यहाँ से आप चाहे तो कोई भी आप कॉलम ले लीजिए, तो लेट से यहाँ पर चूज कीजिए 1 5 2 6। अब नाउ इसका डिटरमिनेंट फाइंड कीजिए, इसका डिटरमिनेंट अगर आप निकालोगे तो कितना मिल जाएगा, 6 1 6 5 2 10 -10 दैट इज -4 विच इज नॉट इक्वल टू 0, 0 के इक्वल नहीं है राइट, -4 क्या किया 1 5 2 6, इसका क्या किया डिटरमिनेंट निकाला, जो डिटरमिनेंट 6 1 6 -10 दैट इज 6 -10 इज नथिंग बट -4 विच इज नॉट इक्वल टू 0। यही जो -4 होता है ये क्या होता है, आपका माइनर होता है, माइनर फाइंड करने का यही तरीका है। कोई भी अगर आपको मैट्रिक्स गिवन है उस मैट्रिक्स का आप सिंपली क्या कीजिए, कोई भी मैट्रिक्स में से आप रोज, दो रोज को चूज कीजिए, अदरवाइज 3 रोज को, तो 3 रोज को चूज करोगे तो 3 कॉलम भी आपको लेना है, और उस 3 कॉलम में से आपको कोई 3 कॉलम को चूज करके उसका डिटरमिनेंट निकालना है। अगर लेट से कि अगर आपने 3 कॉलम चूज किया राइट, तो 3 कॉलम चूज, यहाँ पर अगर 3 रोज ले लिया तो -2 3 -4, तो यहाँ पर -2 हो जाएगा, तो इसी का में से आपको क्या करना है, 3 कॉलम भी लेना है, तो 3 कॉलम का क्या करोगे आप, डिटरमिनेंट निकालोगे, तो डिटरमिनेंट निकालने पर आपको जो भी वैल्यू मिलेगा वो क्या होता है आपका माइनर, तो यही होता है आपका माइनर ऑफ ऑर्डर। तो रैंक का डेफिनेशन सिंपली यही होता है कि अगर कोई मैट्रिक्स ए है विच इज नॉन जीरो, देन रैंक ऑफ अ मैट्रिक्स इज कॉल्ड इफ देयर एग्जिस्ट एटलीस्ट वन माइनर ऑफ ऑर्डर आर ऑफ ए विच इज नॉन जीरो, मतलब कि कम से कम एक माइनर ऑफ ऑर्डर आर होना ही चाहिए, और वो ऑर्डर माइनर किस फॉर्म में होना चाहिए, नॉन जीरो के फॉर्म में होना चाहिए, जीरो नहीं आना चाहिए। यहाँ पर देखिए इस एग्जाम्पल में जब आपने फाइंड किया माइनर ऑफ ऑर्डर तो क्या आया -4, जीरो आया क्या नहीं आया, तो -4 आया, मतलब कि ये क्या हो गया आपका, ये क्या हो गया रैंक हो गया, इसका आपका रैंक मिल जाएगा। सिमिलरली अगर सेकेंड कंडीशन क्या, एवरी माइनर ऑफ ऑर्डर ग्रेटर देन आर इज ए जीरो, मतलब कि जितना भी आपको माइनर मिलता है अगर वो ग्रेटर देन आर रहेगा तो क्या रहेगा आपका, जीरो होगा, वो क्या होगा, जीरो होगा। दिस इज अबाउट रैंक ऑफ अ मैट्रिक्स। लेट्स हैव नाउ प्रॉपर्टीज, रैंक का खाली आपको यही समझना है कि कोई भी मैट्रिक्स है विच इज नॉन जीरो मैट्रिक्स, नॉन जीरो का मतलब कि वो 0x0x0 नहीं होना चाहिए, हमेशा नॉन जीरो के फॉर्म में होना चाहिए, देन रैंक इज ओनली कॉल्ड इफ देयर एग्जिस्ट एटलीस्ट वन माइनर ऑफ ऑर्डर आर, कम से कम एक माइनर होना ही चाहिए, उससे ज्यादा रहेगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट एक माइनर होगा विच इज ऑफ ए विच इज नॉन जीरो, वो भी कैसा होना चाहिए, नॉन जीरो होना चाहिए, देन दिस इज कॉल्ड इज अ रैंक। सेकेंड कंडीशन क्या होता है, एवरी माइनर ऑफ ऑर्डर ग्रेटर देन आर इज ए जीरो, एवरी माइनर ऑफ ऑर्डर ग्रेटर देन आर इज ए जीरो, मतलब जो भी माइनर, कितना भी आपको माइनर उस मैट्रिक्स में से मिलता है उसका अगर रैंक से ज्यादा रहेगा वो क्या रहेगा, जीरो होगा राइट, तो वो क्या होगा, रैंक जीरो होगा। तो दिस इज द डेफिनेशन ऑफ रैंक। अब नाउ
नाउ सी प्रॉपर्लीज, एक्चुअल में जो सिंपल डेफिनेशन आपको यही रखना है रैंक का डेफिनेशन, जो कि मैं आगे आपको लेक्चर में बताऊंगा कि रैंक का सिंपल डेफिनेशन क्या होता है। ये खाली आपको जो प्योर डेफिनेशन होता है ये होता है कि आपको ये डेफिनेशन आपको याद रखना है। इसी के डेफिनेशन के बेस पे आपको जो नेक्स्ट जब डेफिनेशन जब भी मैं वहां पर इक्लियन फॉर्म लूंगा तो वहां पर आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा कि रैंक एक्चुअल में कैसे फाइन करते हैं। सिंपल डेफिनेशन वहां पर मैं आपसे बात करूंगा। नाउ सी हियर प्रॉपर्टीज, प्रॉपर्टीज क्या प्रॉपर्टीज, यहाँ पर टोटल 6 प्रॉपर्टी यहाँ पर लिया गया है, जो कि 6 प्रॉपर्टीज में से फर्स्ट प्रॉपर्टीज आपको क्या पूछा गया, फर्स्ट प्रॉपर्टीज आपको याद रखना है द रैंक ऑफ अ मैट्रिक्स रिमेन अनचेंज्ड बाय एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन। मतलब क्या हो गया इसका, इसका मतलब ये हो गया मीनिंग कि अगर कोई भी मैट्रिक्स है राइट, उस मैट्रिक्स का अगर आप एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन निकालोगे राइट, अगर उस मैट्रिक्स का एलिमेंट्री, अगर रैंक ऑफ अ मैट्रिक्स रिमेन अनचेंज्ड बाय एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन, लेट से कि अगर आपको कोई दो मैट्रिक्स गिवन है ए एंड बी राइट, अब उस ए एंड बी का अगर आपने क्या किया रैंक फाइन किया राइट, उस रैंक को फाइन करना, अगर आपने ए का रैंक फाइन किया, ओ ए का रैंक आपको मिल गया लेट से 2 मिला, उसका रैंक 2 मिला राइट, तो उसी का अगर आपने रो ट्रांसफॉर्मेशन किया तो रो ट्रांसफॉर्मेशन करने पर भी उसका जो रैंक मिलेगा वो सेम 2 ही मिलेगा। मतलब क्या हो गया, द रैंक ऑफ अ मैट्रिक्स रिमेन अनचेंज्ड बाय एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन। मतलब कि जो भी मैट्रिक्स है उस मैट्रिक्स का अगर आपने रैंक फाइन किया और वो रैंक फाइन करने पर आपने एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन यूज किया तो जो एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन फाइन करोगे तो उसका भी रैंक कितना रहेगा 2 ही होगा। ये हो गया आपका फर्स्ट प्रॉपर्टी। नाउ सेकेंड प्रॉपर्टीज क्या है, सेकेंड प्रॉपर्टीज आपको बोला गया है द रैंक ऑफ अ ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स ए इज सेम एज दैट ऑफ मैट्रिक्स ए। मतलब कि जो ट्रांसपोज मैट्रिक्स का अगर रैंक जितना भी रहेगा, ट्रांसपोज मैट्रिक्स क्या होता है खाली रोज एंड कॉलम को इंटरचेंज करना राइट, तो वो क्या होता है ट्रांसपोज मैट्रिक्स। तो रैंक ऑफ अ ट्रांसपोज मैट्रिक्स, ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स ए इज सेम एज दैट ऑफ मैट्रिक्स ए। मतलब कि अगर आपको कोई मैट्रिक्स ए गिवन है उसका आपने ट्रांसपोज निकाला और उसका ट्रांसपोज निकालने पर आपने रैंक फाइन किया तो रैंक फाइन करने पर जितना भी रैंक आपको मिलता है उस ट्रांसपोज मैट्रिक्स का वही रैंक क्या रहेगा, उस मैट्रिक्स ए का भी रैंक सेम रहेगा। यह प्रॉपर्टीज आपको याद रखना है। ये हो गया आपका सेकेंड प्रॉपर्टी। नाउ थर्ड प्रॉपर्टी क्या है, द रैंक ऑफ अ प्रोडक्ट ऑफ अ टू मैट्रिसेस। मतलब कि कोई भी मैट्रिसेस का अगर आपने रैंक फाइन किया उसका अगर आप प्रोडक्ट फाइन करोगे कैन नॉट एक्सीड द रैंक ऑफ आइदर मैट्रिक्स। मतलब कि ये जो अगर आपने प्रोडक्ट फाइन किया ए एंड बी, लेट से दो मैट्रिक्स आपको गिवन है ए एंड बी, उस दोनों का मैट्रिक्स का रैंक आपको 3 मिला राइट, दोनों का रैंक का मैट्रिक्स आपको 3 मिला, तो अगर उसका आप मल्टीप्लाई, उन दोनों मैट्रिक्स का अगर आपने मल्टीप्लाई किया तो वो जो मल्टीप्लाई करने पर जो भी मैट्रिक्स आपको मिलेगा ए एंड बी का जो भी मैट्रिक्स रहेगा वो दोनों का मैट्रिक्स का जो रहेगा रैंक सेम ही होगा। मतलब कि रैंक ए एंड बी, ए बी को आपने मल्टीप्लाई किया, लेट से मैट्रिक्स ए गिवन है एंड मैट्रिक्स बी गिवन है, उन दोनों का मल्टीप्लाई किया तो मल्टीप्लाई करने पर आपको जो भी मल्टीप्लाई करने पर आपने उसका रैंक फाइन किया तो रैंक जितना आपको 3 मिला, लेट से कि आपने मल्टीप्लाई करने पर उसका रैंक आपको 3 मिला, तो 3 मिला तो जो रैंक ए एंड बी दोनों का रैंक रहेगा वो भी क्या होगा 3 ही रहेगा, चेंज नहीं होगा, उससे ज्यादा नहीं हो सकता, 4 नहीं हो सकता बट 3 हो सकता है या तो 3 से कम हो सकता है बट 4 नहीं होगा, याद रखना। तो यही बोल रहा है द रैंक ऑफ अ प्रोडक्ट ऑफ अ टू मैट्रिसेस कैन नॉट एक्सीड द रैंक ऑफ अ आइदर मैट्रिक्स। दिस इज द थर्ड प्रॉपर्टीज ऑफ द रैंक ऑफ अ मैट्रिक्स। और नाउ फोर्थ प्रॉपर्टी सी, रैंक ऑफ अ यूनिट मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर एन इज एन। फोर्थ प्रॉपर्टीज में क्या है, यूनिट मैट्रिक्स, यूनिट मैट्रिक्स क्या होता है, यूनिट मैट्रिक्स और आइडेंटिटी मैट्रिक्स, जैसे कि मैंने इसके फर्स्ट लेक्चर में ही आपसे बात किया था व्हाट इज आइडेंटिटी मैट्रिक्स एंड यूनिट मैट्रिक्स, उसका एग्जांपल भी लिया था, अगर आपको 3x3 मैट्रिक्स के तो 100 010 001, ये होता है आपका यूनिट मैट्रिक्स राइट, तो उसका रैंक कितना होगा, जितना उसका ऑर्डर रहेगा उतना ही उसका क्या रहेगा रैंक होगा। मतलब कि इसका ऑर्डर एन है तो यूनिट मैट्रिक्स का जो एन रहेगा रैंक भी कितना रहेगा एन रहेगा राइट। ये हो गया फोर्थ प्रॉपर्टी। एंड नाउ फिफ्थ प्रॉपर्टीज क्या है, फिफ्थ प्रॉपर्टी में आपको बोला गया द रैंक ऑफ अ नल मैट्रिक्स। नल मैट्रिक्स मतलब कि जीरो मैट्रिक्स, नल मैट्रिक्स नथिंग बट जीरो मैट्रिक्स, जो रैंक ऑफ जीरो मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर एन इज अ जीरो। बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज है, आपको याद रखना है द रैंक, जो नल मैट्रिक्स का आपको रैंक हमेशा क्या होगा जीरो होगा। क्योंकि जीरो किस लिए होगा, क्योंकि रैंक आपको यही डेफिनेशन, अगर मैं सिंपल डेफिनेशन आपको बताऊं रैंक का तो डेफिनेशन यही बोलता है कि नंबर ऑफ नॉन जीरो रो इज नथिंग बट द रैंक। तो नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज
बट यहाँ पर तो नल मैट्रिक्स मतलब कि वो मैट्रिक्स पूरा क्या है आपको जीरो दिया है। अगर वो पूरा मैट्रिक्स जीरो है मतलब कि उसका रैंक भी कितना रहेगा, जीरो रहेगा। तो दिस इज द डेफिनेशन एंड प्रॉपर्टीज ऑफ द रैंक। तो रैंक ऑफ नल मैट्रिक्स इज ऑफ ऑर्डर एन इज जीरो। अब नाउ सिक्स प्रॉपर्टी आपको बोला गया है, द रैंक ऑफ स्केलर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर एन इज एन। अगर कोई स्केलर मैट्रिक्स गिवन है तो उसका रैंक भी कितना रहेगा, उस मैट्रिक्स के ऑर्डर के इक्वल होगा। अगर उसका ऑर्डर एन है तो उसका रैंक भी कितना रहेगा, एन रहेगा। तो दिस इज द सिक्स प्रॉपर्टी। आई होप कि आपको प्रॉपर्टीज 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6 समझ में आ गया होगा। तो दिस इज द सिंपल डेफिनेशन ऑफ रैंक। रैंक का सिंपल डेफिनेशन आपको ये बता दूं कि नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज, जो कि मैं आगे जब भी मैं इक्लन फॉर्म लूंगा तो वहां पर आपको समझाऊंगा। तो रैंक ऑफ मैट्रिक्स, रैंक यहाँ पर सिंपल जो कि ये डेफिनेशन आपको याद रखना है, थोड़ा सा खाली आपको समझना है कि डेफिनेशन में एक्चुअल में आपको बोला क्या जा रहा है। अगर एक बार आप समझ जाओगे, याद करने की जरूरत नहीं, याद खाली आपको ये करना है कि रैंक का सिंपल डेफिनेशन होता है नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज। तो सिंपली सिंपल डेफिनेशन ये होता है, और ये आपको समझना है कि अगर कोई मैट्रिक्स ए है वो विच इज नॉन जीरो, देन रैंक आर इज कॉल्ड द रैंक ऑफ अ मैट्रिक्स ए इफ एंड ओनली इफ देयर एग्जिस्ट एटलीस्ट वन माइनर ऑफ ऑर्डर आर ऑफ ए विच इज नॉन जीरो। मतलब उसमें कम से कम क्या होना चाहिए, एक माइनर ऑफ ऑर्डर आर होना चाहिए विच इज नॉन जीरो। यहाँ पर देखिए मैंने एग्जाम्पल के द्वारा आपको समझाया, यहाँ पर माइनस फोर आया मतलब ये जीरो नहीं है, जीरो नहीं है मतलब ये नॉन जीरो है, नॉन जीरो है मतलब ये क्या होगा, रैंक इसका मिल जाएगा। सिंपली रैंक कितना रहेगा इसका, रैंक रहेगा टू, क्योंकि आपने दो रोज को चूज किया तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, रैंक टू। तो ये हो गया रैंक के बारे में। सेकेंड कंडीशन आपको बोला गया, एवरी माइनर ऑफ ऑर्डर ग्रेटर देन आर इज ए जीरो। मतलब जो भी माइनर, अगर एवरी माइनर जितना भी आप इसमें से माइनर चूज करोगे, लेट से कि आपने 3x3 मैट्रिक्स में 3 रोज आपने चूज किया, तो जो भी अगर आप माइनर चूज करोगे उसका जो वैल्यू रहेगा अगर रैंक से ज्यादा रहेगा तो क्या रहेगा, जीरो होगा। राइट, ये हो गया आपका रैंक का सिंपल डेफिनेशन। और प्रॉपर्टीज, टोटल 6 प्रॉपर्टी यहाँ पर आपको समझाया, आप चाहे तो वीडियो को पूछ करके आप देख सकते हो। आई होप कि आपको रैंक से रिलेटेड समझ में आ गया होगा। अब नाउ हम लोग बात करने जा रहे हैं व्हाट इज अ इक्लियन फॉर्म। तो यहाँ पर मैंने इसलिए आपको लिख के दिया कि आपको खाली समझना है कि एक्चुअल में रैंक ऑफ मैट्रिक्स होता क्या है। अब नाउ बात करते हैं इक्लियन फॉर्म के बारे में। सी ईयर इक्लियन फॉर्म, नाउ सी ईयर इक्लियन फॉर्म। इक्लियन फॉर्म में आपको सबसे पहले डेफिनेशन गिवन है एंड देन एग्जाम्पल। देखिए यहाँ पर आई होप कि आपको रैंक समझ में आ गया होगा। रैंक में आपको खाली यही समझना है कि जो भी मैट्रिक्स अगर नॉन जीरो मैट्रिक्स है उसका रैंक फाइंड करना है, तो सिंपली आपको क्या करना है, नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज देखना है कि नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज जितना भी रहेगा उतना क्या होगा, रैंक होगा। जो कि मैं जब भी क्वेश्चन सॉल्व करूंगा तो वहां पर आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो उसके लिए आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, जब भी मैं क्वेश्चन लूंगा तो वहां पर आपको अच्छे से एकदम समझ में आ जाएगा कि व्हाट इज मीनिंग ऑफ द रैंक। यहाँ पर देखिए इक्विलन फॉर्म क्या, इक्विलन फॉर्म का डेफिनेशन देखिए, ए मैट्रिक्स इज सेट टू बी इक्विलन फॉर्म इफ इट हैज अ फॉलोइंग प्रॉपर्टी। मतलब यहाँ पर सबसे पहले प्रॉपर्टीज आपको समझना है कि प्रॉपर्टीज में ही आपको क्या है, इसका डेफिनेशन छुपा हुआ है। प्रॉपर्टीज क्या है, इफ एनी रो हैज ऑल एलिमेंट जीरो देन सच रो अपीयर्स एट द बॉटम ऑफ द मैट्रिक्स। मतलब क्या हुआ इसका, मतलब इसका हुआ कि अगर कोई रो गिवन है, एनी रो हैज ऑल एलिमेंट जीरो, मतलब उसका रो में जितने भी रोज में है उस रो का पूरा एलिमेंट क्या है, अगर आपका जीरो है देन सच रो, वो रो क्या रहेगा, बिलो द बॉटम ऑफ द मैट्रिक्स में जाएगा। मतलब कि उसको क्या रखना है, सबसे नीचे रखना है। जो भी अगर एलिमेंट आपको दिख रहा है वो रो पूरा जीरो है, देन उस रो जीरो को आपको क्या करना है, सबसे नीचे रखना है मैट्रिक्स के। राइट, दिस इज द फर्स्ट प्रॉपर्टी, ये डेफिनेशन भी होता है। नाउ सेकेंड क्या है आपका, उसमें इक्लन फॉर्म तभी बोल सकते हो किसी मैट्रिक्स को इफ देर आर सम रोज विच डू नॉट हैव ऑल एलिमेंट जीरो, विच डू नॉट हैव ऑल एलिमेंट जीरो, देन दे आर अरेंज इन ए सच अ वे दैट नंबर ऑफ जीरो बिफोर द फर्स्ट नॉन जीरो एलिमेंट गो एंड इंक्रीजिंग एज वी मूव डाउन द मैट्रिक्स। मतलब क्या हुआ, इफ देर आर सम रोज, मतलब कोई रोज है आपको गिवन है विच डू नॉट हैव ऑल एलिमेंट जीरो, फर्स्ट में क्या था, ऑल एलिमेंट जीरो था, तो उसको आपने क्या किया, बिलो द बॉटम ऑफ द मैट्रिक्स में आपने रख दिया। राइट, अब नाउ सेकेंड में आपको ऐसा भी हो सकता है जो कि पूरा एलिमेंट जीरो ना हो, उस केस में आप क्या करोगे, अगर आपको पूरा एलिमेंट अगर जीरो नहीं है देन दे आर अरेंज इन सच अ वे दैट नंबर ऑफ जीरो, यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये याद है, नंबर ऑफ जीरो बिफोर द फर्स्ट नॉन जीरो एलिमेंट गो एंड इंक्रीजिंग, इंक्रीज होगा याद रखना, इंक्रीज होगा एज वी मूव डाउन द
मैट्रिक्स, मतलब कि अगर जैसे जैसे आप मैट्रिक्स के नीचे जाओगे राइट, तो वैसे वैसे क्या होना चाहिए, नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज ऑफ एलिमेंट इंक्रीज होना चाहिए, मतलब कि फर्स्ट एलिमेंट के, फर्स्ट नॉन जीरो एलिमेंट के पहले नीचे जाते समय आपका जीरो इंक्रीज होना चाहिए। मतलब यहाँ पर क्या हो गया, इफ देर आर सम रोज विच डू नॉट हैव एलिमेंट जीरो, ऑल एलिमेंट जीरो, देन दे आर अरेंज इन सच अ वे दैट नंबर ऑफ जीरो बिफोर द फर्स्ट नॉन जीरो, नंबर ऑफ जीरो बिफोर द फर्स्ट नॉन जीरो एलिमेंट गो एन इंक्रीजिंग एज वी मूव डाउन द मैट्रिक्स। यहाँ पर लेट से मैंने एग्जाम्पल यहाँ पर रखा, जैसे कि आपको समझ में आ जाएगा, एग्जाम्पल आपको समझ में आ जाएगा कि ये एक्चुअल में इक्लन फॉर्म होता क्या है। लेट से कि एग्जाम्पल 1 5 6 -1 2 3 4 0 0 0 1 3 0 0 0 0 0 0 0, तो ये आपका एग्जाम्पल है। अब इस एग्जाम्पल में क्या बोला, इक्विलन फॉर्म का डेफिनेशन होता है कि मैट्रिक्स, किसी मैट्रिक्स को आप इक्विलन फॉर्म तभी बोल सकते हो जब उसका क्या होना चाहिए, ऑल एलिमेंट बिलो द, ऑल एलिमेंट विच इज ऑल, इफ एनी रो हैज ऑल एलिमेंट जीरो देन सच रो अपीयर्स एट द बॉटम ऑफ द मैट्रिक्स। मतलब यहाँ पर देखिए ये पहला मैट्रिक्स है जो कि यहाँ पर देखिए नीचे क्या आपका जीरो है राइट, तो ये क्या बॉटम ऑफ द मैट्रिक्स पे क्या है, जीरो है, तो यहाँ पर ये क्या हो गया, ये इक्विलन फॉर्म हो गया। बट इससे पहले क्या है, इफ देर आर सम रोज विच डू नॉट हैव ऑल एलिमेंट जीरो, डू नॉट हैव ऑल एलिमेंट जीरो, मतलब कोई रोज होगा जो कि ऑल एलिमेंट जीरो नहीं होगा। लेट से दिस इज अ थर्ड रोज, यहाँ पर देखिए यहाँ पर क्या आपको दिख रहा है कि दो तो एलिमेंट जीरो है बट यहाँ पर ये जीरो नहीं है, तो क्या करोगे यहाँ पर, नाउ यहाँ पर क्या दिख रहा है, यहाँ पर वन एंड थ्री राइट, तो यहाँ पर क्या है आपको थर्ड रोज में आपको दो जीरो गिवेन है बट यहाँ पर दो जीरो के बाद क्या गिवेन है, वन एंड थ्री, मतलब क्या है ऑल एलिमेंट जीरो नहीं है। यहाँ पर क्या फोर्थ रोज एंड फिफ्थ रोज में ऑल एलिमेंट जीरो है बट थर्ड रोज में ऑल एलिमेंट जीरो नहीं, यहाँ पर दो एलिमेंट जीरो है एंड दो एलिमेंट क्या है, वन एंड थ्री है। तो मतलब ये क्या हो गया, अगर इस केस में अगर ये वाला रोज अगर यहाँ पर रहा होता तो इसको क्या करना रहता था, आपको ऊपर ले जाना रहता था, यही आपको यहाँ पर बोला गया कि नंबर ऑफ जीरो बिफोर द फर्स्ट नॉन जीरो एलिमेंट, फर्स्ट नॉन जीरो एलिमेंट नंबर ऑफ जीरो एलिमेंट गो इन इंक्रीजिंग, मतलब यहाँ पर देखिए यहाँ पर दो था यहाँ पर इंक्रीज हुआ, फिर यहाँ पर क्या हो गया इंक्रीज एज वी मूव डाउन द मैट्रिक्स, यहाँ पर देखिए डाउन द मैट्रिक्स जा रहे तो हम लोग का क्या हो रहा है, मैट्रिक्स इंक्रीज के फॉर्म में हो रहा है, मतलब दिस इज नथिंग बट इक्विलन फॉर्म। इक्विलन फॉर्म में क्या होता है, कोई भी मैट्रिक्स गिवन है उस मैट्रिक्स को आपको क्या करना है, नंबर ऑफ नॉन जीरो एलिमेंट को क्या करना है, सबसे पहले जितना भी जीरो एलिमेंट आपको मिलता है उस जीरो एलिमेंट को क्या करना है, आपको डाउन द मैट्रिक्स रखना है। एंड नाउ जो भी मैट्रिक्स का एलिमेंट अगर आपको जीरो, आपको कैसे दिखना चाहिए, इंक्रीजिंग ऑर्डर में दिखना चाहिए, ऐसा नहीं कि आपको यहाँ पर अगर वन जीरो यहाँ पर टू जीरो होके यहाँ पर वन हुआ तो ये क्या होगा, इक्विलन फॉर्म नहीं होगा। दिस इज द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ द इक्विलन फॉर्म। नाउ यहाँ पर देखिए सेकेंड एग्जाम्पल यहाँ पर गिवेन है 1 -2 3 0 0 4 0 0 0, ये क्या इक्विलन फॉर्म है, तो ऑब्वियसली ये भी इक्विलन फॉर्म है, क्यों है, क्योंकि यहाँ पर देखिए जीरो क्या हो रहा है, यहाँ से ऐसा होते इंक्रीज होते 3 0 हो गया, मतलब ये क्या हो गया आपका इक्विलन फॉर्म ये भी है। अब थर्ड वाला एग्जांपल देखिए 1 -1 3 0 0 0 0 0 6, क्या ये इक्विलन फॉर्म है, तो देखिए यहाँ पर ये इक्विलन फॉर्म नहीं है, क्यों नहीं है, क्योंकि यहाँ पर देखिए जो नंबर जो जीरो हो रहा है ये क्या हो रहा है, यहाँ पर इंक्रीज हुआ देन यहाँ पर आने के बाद क्या हो गया, यहाँ पर आने के बाद डिक्रीज हो गया, ये क्या हो गया यहाँ से यहाँ गया, यहाँ आने के बाद ये डिक्रीज हो गया, मतलब ये क्या हो गया, यहाँ पर 3 0 था तो यहाँ पर नीचे आने पर 2 0 हो गया। अगर इसे इक्विलन फॉर्म में लिखना है, लेट से कि अगर इसे इक्विलन फॉर्म में लिखना है, यहाँ पर क्या देखिए 3 0 था यहाँ पर आने पर 2 0 हो गया, थर्ड रोज में ये 2 0 हो गया, तो ये इक्विलन फॉर्म नहीं है। अगर इसे इक्विलन फॉर्म में लिखना है तो इक्विलन फॉर्म का डेफिनेशन क्या होता है, इक्विलन फॉर्म तब होगा जब कोई भी एलिमेंट, ऑल एलिमेंट जो अगर जीरो है तो उसे क्या रखना है, सबसे नीचे ऑफ नीचे रखना है। यहाँ पर देखिए बोला गया इफ हैज ऑल एलिमेंट जीरो देन देयर सच रो अपीयर्स एट द बॉटम ऑफ मैट्रिक्स, तो यहाँ पर क्या ऑल एलिमेंट जीरो सेकेंड रो में है तो इसे क्या करना है आपको, बॉटम में रखना है, तो यहाँ पर आ जाएगा एंड देन इफ देर आर सम रोज विच डू नॉट हैव ऑल एलिमेंट जीरो, यहाँ पर देखिए ये जो कि खाली यहाँ पर 2 0 यहाँ पर थर्ड क्या है 6 है, तो उसे क्या करना है, नंबर ऑफ जीरो बिफोर द फर्स्ट नॉन जीरो एलिमेंट गो इज इंक्रीजिंग एज यू मूव डाउन द ग्रुप, मतलब सिंपली क्या कीजिए यहाँ पर R3 एंड R2 को इंटरचेंज कीजिए तो आपको क्या मिल जाएगा, ये ऑगमेंटेड इक्विलन फॉर्म में मिल जाएगा। इक्विलन फॉर्म में तब मिले, कब मिलेगा, जब इसे आप R3 एंड R2 को इंटरचेंज करोगे तब, राइट। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। नाउ फोर्थ एग्जांपल देखिए, फोर्थ एग्जांपल क्या ये इक्विलन फॉर्म है, देखिए यहाँ पर
ये इक्विवेलेंट फॉर्म है। कैसे है, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या हो रहा है, नंबर ऑफ जीरो इंक्रीज हो रहा है एज वी गो डाउन द मैट्रिक्स। अब यहाँ पर ये जीरो देख के आप कोई कोई बोलेगा यहाँ पर कि ये इक्विवेलेंट फॉर्म नहीं है, बट यहाँ पर ये भी इक्विवेलेंट फॉर्म है क्योंकि ये इक्विवेलेंट फॉर्म के डेफिनेशन को सेटिस्फाई कर रहा है। इक्विवेलेंट फॉर्म का डेफिनेशन यही होता है कि एज वी मूव डाउन द मैट्रिक्स देन जीरो विल बी इंक्रीजेस। तो यहाँ पर देखिए जैसे जैसे हम लोग नीचे जा रहे हैं वैसे वैसे यहाँ पर वन जीरो था, यहाँ पर क्या हो गया टू जीरो हो गया, मतलब ये क्या हो गया इक्विवेलेंट फॉर्म हो गया। अब नाउ ये हो गया इक्विवेलेंट फॉर्म। इक्विवेलेंट फॉर्म में खाली आपको ये याद रखना है कि जैसे हम लोग मैट्रिक्स के नीचे जाएंगे वैसे वैसे जीरो एलिमेंट इंक्रीजिंग ऑर्डर में होना चाहिए। ऐसा नहीं कि कोई मैट्रिक्स, अगर लेट्स से कि यहाँ पर मैं कोई एग्जांपल एक रख दूं, इस एग्जांपल में अगर मैं वन टू थ्री फोर जीरो जीरो टू थ्री जीरो 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 सिक्स जीरो 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 एंड एट। अब इसे आप बोलोगे इक्विवेलेंट फॉर्म में है कि नहीं, इक्विवेलेंट फॉर्म में ये मैट्रिक्स नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि यहाँ पर देखिए ये तो मैट्रिक्स दो जीरो था, यहाँ पर तीन जीरो है, बट यहाँ पर भी तीन जीरो है, यहाँ पर भी क्या होना चाहिए एट की जगह पर जीरो होता, तब ये इक्विवेलेंट फॉर्म में होता, अदरवाइज ये इक्विवेलेंट फॉर्म नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि मैट्रिक्स का देखिए एज वी मूव डाउन द मैट्रिक्स देन हियर जीरो विल बी नॉट इंक्रीजिंग रेगुलरली मैनर, बिकॉज यहाँ पर क्या हो जा रहा है, यहाँ पर जीरो आके खत्म हो जा रहा है, बट जीरो आपको एट की जगह पे भी जीरो होता देन अगर यहाँ पर अगर जीरो रख देते तो देन दिस इज कॉल्ड एज अ इक्विवेलेंट फॉर्म, अदरवाइज दिस इज नॉट अ इक्विवेलेंट फॉर्म, बट यहाँ पर ये इक्विवेलेंट फॉर्म नहीं है, ये बात याद रखना। दिस इज द डेफिनेशन ऑफ इक्विवेलेंट फॉर्म, दिस इज ऑल अबाउट द इक्विवेलेंट फॉर्म। एंड नाउ इन नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग बात करेंगे व्हाट इज द क्वेश्चंस रिलेटेड टू द इक्विवेलेंट फॉर्म, कि कोई भी इक्विवेलेंट फॉर्म का क्वेश्चन कैसे सॉल्व करेंगे और इक्विवेलेंट फॉर्म का क्वेश्चन सॉल्व करने के बाद आपको रैंक कैसे फाइंड करना है, वो भी नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग बात करने जाएंगे। तो यहाँ पर खाली आपने आज के लेक्चर में क्या समझा कि व्हाट इज द रैंक ऑफ अ मैट्रिक्स, उसका डेफिनेशन देखा, प्रॉपर्टीज देखा, एंड नेक्स्ट यहाँ पर आपने देखा इक्विवेलेंट फॉर्म। इक्विवेलेंट फॉर्म में आपने क्या देखा, डेफिनेशन एंड एग्जाम्पल। तो रैंक ऑफ मैट्रिक्स आपको एक बार याद रखना है कि रैंक ऑफ मैट्रिक्स का सिंपल डेफिनेशन आपको याद रखना है दिमाग में कि क्या होता है रैंक ऑफ मैट्रिक्स, दैट इज नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज, मतलब कि उस रोज में कितना जीरो आपको नंबर ऑफ कितना नॉन जीरो एलिमेंट है उसे आपको देखना है, उसको देख के आपको रैंक को फाइंड करना है, जो कि नेक्स्ट लेक्चर में आपको डिटेल में आपको समझा दूंगा। खाली आपको याद रखना है जो आप आज के लेक्चर में हम लोग ने बात किया था डेफिनेशन रिलेटेड टू द रैंक, वो आपको याद रखना है। दैट इज रैंक का डेफिनेशन आपने ये देखा था कि नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज है तो एटलीस्ट वन माइनर रहेगा, रो माइनर कैसा ऑर्डर आर रहेगा विच इज नॉन जीरो, जो भी आपको माइनर मिलेगा वो नॉन जीरो होना चाहिए और एवरी माइनर ऑफ ऑर्डर ग्रेटर देन आर इज जीरो होगा, दिस इज अ डेफिनेशन। खाली आपको ये दिमाग में रखना है, बट याद आपको ये रखना है कि रैंक का डेफिनेशन होता है नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज ऑफ एलिमेंट। ये भी डेफिनेशन आपको वही बता रहा है जो मैंने बोला नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज ऑफ एलिमेंट, बट यहाँ पर आपको क्या है, यहाँ पर आपको एकदम डिटेल में बोला गया है देयर एग्जिस्ट एटलीस्ट वन माइनर ऑफ ऑर्डर आर, बट वो जो मैंने बताया जो सेकंड डेफिनेशन आपको इजी डेफिनेशन आपको बताया वो आपको दिमाग में याद रखना है, बट ये वाला खाली ये याद रखना है कि रैंक हम लोग कैसे फाइंड करते हैं, एक्चुअल हम लोग जो डेफिनेशन ऑफ रैंक हम लोग फाइंड करते वो कैसे फाइंड करते माइनर से, याद रखना जो हम लोग एक्चुअल डेफिनेशन ऑफ रैंक की बात करेंगे, रैंक अगर आपको फाइंड करना है तो हम लोग कैसे फाइंड करेंगे माइनर से, बट यहाँ पर आप माइनर से नहीं फाइंड करते हो, यहाँ पर आप रो ट्रांसफॉर्मेशन का यूज करके आप रैंक को फाइंड करते हो, बट अगर एक्चुअल डेफिनेशन के हिसाब से देखा जाए तो माइनर आपको कैसे मिलेगा, बाय यूजिंग द माइनर कैसे मिलेगा, माइनर सबसे पहले फाइंड करना, माइनर फाइंड करने के बाद आपको रैंक मिलेगा, तो दिस इज द एक्चुअल डेफिनेशन। अब नाउ जो डेफिनेशन जो मैं नेक्स्ट लेक्चर में आपसे बात करूंगा और उससे रिलेटेड क्वेश्चन सॉल्व करूंगा देन आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा कि एक्चुअल में रैंक ऑफ मैट्रिक्स होता क्या है, एंड आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा इक्विवेलेंट फॉर्म क्या होता है एंड प्रॉपर्टीज एंड रैंक का डेफिनेशन। एंड नाउ यहाँ पर मैं स्टॉप करता हूँ, इससे रिलेटेड कुछ भी डाउट होगा तो कमेंट कीजिएगा, वीडियो को लाइक शेयर नहीं किया तो प्लीज कर दीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूले। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो फ्रेंड्स, तब तक के लिए बाय।